हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम श्रवण नामदेव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम जो होते हैं वो जैसे सपोज दैट हमने यहाँ लिखा है 0 है, 01 है, 012 है, 0123 है और यहाँ पे 01234 है। ये आपके यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्वेंसेस है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो नंबर है वो दो नंबर है। इस दो नंबर में यहाँ पे हमने लिखा है बेस टू। अगर हम यहाँ पे नंबर देखते हैं तो टोटल जो नंबर्स हैं अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ जो टोटल नंबर हो रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल नंबर हो रहे हैं यहाँ पर 8। सिमिलर हम यहाँ पर है, जो है अगर हम इसमें नंबर्स देखते हैं तो ये टोटल नंबर्स जो है यहाँ पर ये 0 से 9 10 है। और अगर हम इस वाले नंबर सिस्टम में देखते हैं यहाँ पर तो ये 0 से 9 है, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर है वो 10 है। सिमिलर हम अगर यहाँ पर लास्ट वाले इस नंबर सिस्टम में देखते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर 0 से 15 है और टोटल नंबर 16 है। तो यहाँ पर कुछ नंबर जो है वो मैंने हाईलाइट करे, ये आपके एक्चुअल में नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, पर इसमें से जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे बेस 2 लिया है, यहाँ पर बेस 8 है और ये बेस 10 है और ये बेस 16 है। यहाँ पर मैंने आपसे बोला है बेस, तो इस बेस का मतलब ये है कि आपके टोटल नंबर कितने हैं। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर 0 एंड 1 है तो बेस 2 हो गया, यहाँ टोटल नंबर 0 से 7 है और टोटल नंबर 8 है तो बेस 8 हो गया, यहाँ 0 से 9 है और टोटल नंबर 10 है तो बेस 10 हो गया, और सिमिलर यहाँ पर बेस 16 है। यहाँ लास्ट में नंबर में जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये डिजिट है 10, 10 1 और 0 से मिलके बनाए जो ऑलरेडी यहाँ पर 0 और बनाया है, तो इसको हमने कंसिडर करा है ए। 11 मतलब बी है, 12 मतलब सी है, 13 मतलब डी है और 14 मतलब ई है और 15 मतलब एफ है। तो यहां से बेसिकली जो है हमें ये देखना है कि हमारे जो नंबर सिस्टम है बेसिकली वो 4 टाइप से है। पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी। बाइनरी में दो नंबर होते हैं 0 और 1 और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होता है और बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है और बेस जो है वो 10 है। हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ए एज्यूम करा है। बी सी डी ई और एफ है, टोटल नंबर 16 है, इसका बेस 16 होगा और इसमें ए मतलब है आपका 10 और बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब है 14 और एफ मतलब है 15। ये आपके टोटल नंबर जो है यहां से ये वाले टोटल नंबर आपके जो है वो 16 है, तो बेस भी इसका 16 है। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट देखना है कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन में सबसे पहले देखिए आप, नंबर सिस्टम जो है यहाँ पर बाइनरी होता है, ऑक्टल है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल है। तो अगर हम नंबर सिस्टम डिसाइड करते बाइनरी तो अब इस बाइनरी को रिमेनिंग ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में, मतलब बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में हूं तो इस ऑक्टल से हम बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्टल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी और ऑक्टल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल, ऑक्टल से कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम पर हैं तो इस डेसिमल नंबर सिस्टम से कन्वर्जन हो सकता है बाइनरी, डेसिमल नंबर से कन्वर्जन होता है ऑक्टल और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से कन्वर्जन होता है हेक्साडेसिमल। सिमिलर अगर हम हेक्साडेसिमल में हैं तो यहां से कन्वर्जन होगा बाइनरी में, फिर इसी हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन ऑक्टल में है और इसी हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन जो है डेसिमल है। टोटल आप लोग को 12 टाइप से कन्वर्जन करना है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर हम सबसे पहले कन्वर्जन देखेंगे।
पहला कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल में हमें सबसे पहले, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल है, तो जैसे स्टार्टिंग बिट वन है तो हमने यहाँ पे वन पुट करा है मल्टीपल बाई टू, फिर हमने यहाँ पे फिर से अगेन वन इंटू टू, जीरो इंटू टू, वन इंटू टू, इस टाइप से लिखा है। अब हमें यहाँ पे राइट साइड से डिसाइड करना है इस पर पावर, यहाँ पर पावर है टू टू दी पावर जीरो, इस पर पावर टू पे पावर वन, फिर पावर टू है, पावर थ्री है, पावर फोर है, पावर इंक्रीज हो रही बाई वन। तो जैसे टू टू दी पावर यहाँ पर जीरो है तो इसका मतलब होता है वन, ठीक है, टू टू दी पावर वन मतलब टू है, इंटू जीरो मतलब जीरो हो गया, टू टू दी पावर टू मीन्स दैट फोर होता है, फोर इंटू वन से फोर हो गया, टू टू दी पावर थ्री मीन्स दैट एट होता है, एट इंटू वन एट हो गए, टू टू दी पावर फोर मतलब सिक्सटीन बट इंटू जीरो है इसलिए जीरो हो गए, टू टू दी पावर फाइव थर्टी टू होता है इंटू वन है इसलिए थर्टी टू हो गए, टू टू दी पावर सिक्स मतलब होता है सिक्सटी फोर इंटू वन है। अब हमें इनको आपस में हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद हमारा जो है इसमें फाइनल आंसर आएगा। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये टोटल आंसर हो रहा है 109। ये 109 आपका जो है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि हमारे पास जो भी बिट है उन सभी में टू से इंटू करना है और पावर को इंक्रीज बाई वन अरेंज करना है। आप सेकंड है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर 21, तो इस 21 को हमें सबसे पहले जो बेस टू है उससे डिवाइड करना है। तो हमने जब डिवाइड करा है तो यहाँ पर आया है आपका 10 और रिमाइंडर जो है वो 1 है। अगेन हमने 2 से डिवाइड करा है तो 2 से डिवाइड करने पर ये 5 आ रहा है, रिमाइंडर जो है वो 0 है। अगेन हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम डिवाइड हुआ है, 1 रिमाइंडर है आपका। फिर 2 से डिवाइड करा है तो 1 टाइम हुआ है बट रिमाइंडर जो है वो 0 है। अब आपको यहाँ पर जो इसको अरेंज करना है तो आपको इस डायरेक्शन में अरेंज करना है। यहाँ पर ये होता है एमएसबी और ये होता है एलएसबी, मतलब आपको आपका आंसर जो अरेंज करना है वो एमएसबी, मतलब ये 1 0 फिर ये 1 फिर ये 0 और फिर ये 1। तो आप लोग को जो इसमें आंसर को अरेंज करना है वो एमएसबी से एलएसबी डायरेक्शन में अरेंज करना है। और यहाँ पर एमएसबी का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एलएसबी मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पर हमने देखा है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम कन्वर्जन। अब हमें देखना है ऑक्टल से कन्वर्जन, पर ऑक्टल से कन्वर्जन से पहले हम देखेंगे ऑक्टल टेबल। तो ऑक्टल टेबल में जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं वो 8 होते हैं और 8 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 टू दी पावर 3 से। तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 है। यहाँ पर जो बेसिकली 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट हमने नंबर ऑफ बिट कंसिडर कर दी है ए बी और सी, इस पे हमने अरेंजमेंट इस टाइप से लिया है 2 टू दी पावर 0 एंड 2 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 2। 2 टू दी पावर 0 मीन्स दैट होता है हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0 मतलब 1, 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 एंड 2 टू दी पावर 2 मीन्स दैट 4। तो हमें यहाँ पर इस 1 का मतलब है एक बार ऑन, ऑन मीन्स दैट 1 एंड ऑफ मीन्स दैट 0। तो हमें यहाँ पर 0 1 0 1, 1 टाइम ऑफ एंड 1 टाइम ऑन अरेंज करना है। सिमिलर 2 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 1 मीन्स दैट 2, 2 टाइम ऑफ एंड 2 टाइम 1, 2 टाइम ऑफ एंड 2 टाइम 1 एंड 2 टू दी पावर 2 मीन्स दैट 4। सो 4 टाइम ऑफ आर 0 एंड 4 टाइम 1। अब हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम है और जो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं वो है ऑक्टल, और ऑक्टल में काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम देखते हैं कि ऑक्टल नंबर 0 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो 000 हो जाएगा। अगर हम 1 नंबर पे हैं तो 1 नंबर का जो इक्विवेलेंट है वो 001 हो जाएगा। अगर हम 5 पर हैं तो उसका इक्विवेलेंट जो है वो 101 हो जाएगा। तो ये हमने टेबल देखी है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमसे पूछा है 314, तो 314 जो है वो ऑक्टल में है।
इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हमने सिंपली जो है नंबर को इस टाइप से लिखा है यहाँ पर 3, 1 और 4 विद द हेल्प ऑफ टेबल। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के जो वैल्यू है इक्विवेलेंट वैल्यू है वो 011 है, तो यहाँ पर हमें पुट करना है 011। फिर जैसे 1 है तो 1 का इक्विवेलेंट जो है वो 001 है, 4 का इक्विवेलेंट 100 है, तो आपका जो ओवरऑल आंसर है वो है 011 001 100। ये आपका ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। तो यहां पर जैसे ये बाइनरी नंबर ऑफ बिट दी है तो आपको सिंपली यहां पे लिखना है 110 010 और 1। इसके बाद आपको पता है ऑक्टल में जो नंबर है वो 8 होता है, 8 मतलब होता है 2 to the power 3, और इस 3 का मतलब है नंबर ऑफ बिट, तो आपको 3 बिट का एक पेयर बनाना है। इस टाइप से हमने 3 बिट का पेयर बना लिया, बट लास्ट में ये 1 जो है ये सिंगल 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 बिट इंसर्ट करी है 00 00। इंसर्ट करने के बाद हमें विद द हेल्प ऑफ टेबल इन सभी की इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर 001 है तो 001 001 मतलब है यहाँ पे 1 101 मतलब 5 और 011 मतलब 3 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 153 और ये आपका इक्विवेलेंट है ऑक्टल नंबर के। तो ये आपने यहाँ पर दो कन्वर्जन देखे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। अब हमें नेक्स्ट कन्वर्जन देखना है हेक्साडेसिमल। तो उससे पहले हमें बनाना है टेबल, तो इस टेबल में बनाने से पहले आपको देखिए हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो 16 होते हैं, और 16 मतलब होता है 2 to the power 4। ये जो 4 है ये 4 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर बिट हमने लिए कंसिडर करिए ए बी सी और ए डी। यहाँ पर स्टार्टिंग होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 एंड 2 to the power 3। तो यहां पर हमें ये देखना है कि जो 2 to the power 0 है उसका मतलब होता है 1, 2 to the power 1 का मतलब 2 है, 2 to the power 2 का मतलब 4 है, और 2 to the power 3 का मतलब है 8। यहां 2 to the power 0 का मतलब 1, मतलब 1 टाइम 0 1 टाइम 1। इस टाइप से हमें पूरा कॉम्बिनेशन जो है 01 यहां पर इंसर्ट करना है। फिर यहां पर है 2 to the power 1 मीन्स दैट 2, तो 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1, तो इस टाइप से हमने 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1 इसमें पुट कर दिए। 2 to the power 2 मीन्स दैट 4 है, तो 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। 2 to the power 3 मीन्स दैट 8 होता है, तो यहां पर 8 टाइम 0 एंड 8 टाइम 1। और ये जो हमारी टेबल है ये हेक्साडेसिमल टेबल है, इसीलिए हमें यहां पर काउंटिंग जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर जो है ये 10 11 12 13 14 15। इस 10 का इक्विवेलेंट ए बी सी डी ई एफ, ये हमने यहाँ पर एक टेबल देखी है, और इस टेबल में जैसे सपोज दैट 5 है तो 5 का इक्विवेलेंट है 0101। अगर ए है हेक्साडेसिमल नंबर तो उसका इक्विवेलेंट है 1010। अब हम देखते हैं इसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर नंबर है 101101, तो इस बाइनरी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपली लास्ट से पेयर बनाना है, और 16 मीन्स दैट होता है 2 to the power 4, 4 बिट है, तो 4 बिट का हम यहां से पेयर स्टार्ट करेंगे, और यहां पर इसमें 3 बिट है तो हमने एक 0 बिट इंसर्ट कर दी है। अभी हमने एक टेबल देखी थी उसमें हमने देखा है कि जैसे यहां पर दिया है 0 1 1 0, तो ये 6 के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर हमने 6 पुट करा है। फिर यहां पर 1 1 0 1 डी के इक्विवेलेंट है, तो ये जो 1 1 0 1 है तो इसके इक्विवेलेंट में हमने डी पुट करा है,
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6D और इसमें बेस 16 है। अब हम देख रहे हैं कि हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जैसे 1A और 9 दिया है, तो अब हमें इसमें टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस टेबल में जैसे सपोज दैट ये 1 है, तो 1 के सामने है 0001 और यहाँ पर A है तो ये 1010, तो यहाँ से इस 1 के सामने है 0001, A के इक्विवेलेंट है 1010, 9 के इक्विवेलेंट है 1001, तो यहां से आपका जो आंसर है इन तीनों जीरो को इग्नोर करना है। ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो यहां पर आपने कन्वर्जन देखा है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अब हम देख रहे हैं कि हमारा अगर कोई भी नंबर सिस्टम है हमारे पास हेक्साडेसिमल में, जैसे यहां पर दिया है 1A916, इसको हमें कन्वर्ट करना ऑक्टल में। तो किसी भी हेक्साडेसिमल को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। जैसे यहाँ पर 1A9 है तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस 1 के प्लेस पे हम पुट करेंगे 0001 और इस A के प्लेस पे पुट करेंगे 1010, 9 के प्लेस पे पुट करेंगे 1001 और ये जो वैल्यू है डायरेक्टली मैंने टेबल से पुट करी है। जो अभी मैंने आपको टेबल बताई थी कि यहाँ पर 1 का इक्विवेलेंट है, A का इक्विवेलेंट A दिया है और 9 का इक्विवेलेंट A है, तो यहाँ पर हमने टेबल पुट कर दी है। ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब इस बाइनरी इक्विवेलेंट को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में और ऑक्टल होता है मतलब 8 को रिप्रेजेंट करते हैं 2 to the power 3। तो हमें 3 बिट के पेयर यहां से बनाना स्टार्ट करना है। तो यहां से हमने 3 बिट के पेयर बनाए, जैसे इस 3 बिट के पेयर को हम 1 बोलते हैं, ये 5 है और ये 6 है और ये 0 है, तो आपका आंसर है 651 और ये आपका ऑक्टल नंबर है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे सपोज दैट आपको ऑक्टल नंबर दिया है 163, तो सबसे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में जैसे 1 का इक्विवेलेंट होता है 001, 6 का होता है 110 और 3 का होता है 011। तो ये तो हमने इक्विवेलेंट लिखे हैं बाइनरी। अब हमने यहां पर जो है इसमें हमें सबसे पहले 4 बिट का पेयर बनाना है, क्योंकि हमें इस ऑक्टल को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने यहां पर बाइनरी में कन्वर्ट करा है, तो यहां पर 4 बिट के जो हम पेयर बना रहे हैं, तो यहां पर 0011 मतलब 3 होता है, 0111 मतलब 7 होता है और ये आपका 73 आ रहा है और ये 73 इक्विवेलेंट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हमने कन्वर्जन देखा है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो जैसे सपोज दैट ये हेक्साडेसिमल नंबर है 1A3, यहाँ पर बेस 16 है, तो इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करना है हर एक बिट को। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 को 16 से, A मतलब होता है 10 तो 10 को 16 से मल्टीप्लाई और 3 को 16 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इस टाइप से 0, 1 एंड 2। तो आपने ये देखा है कि 16 to the power 2 मतलब 256 है, 16 to the power 1 into 10 है इसलिए 160 हो जाएगा, 16 to the power 0 तो इसको हम जब देखेंगे तो ये ओनली 3 हो जाएगा। अब हमने इसको ऐड करना है 256 प्लस 160 प्लस 3 इज इक्वल टू 419। ये आपका डेसिमल इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल नंबर का। अब जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखना है, तो सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया है और डेसिमल में आपके पास डिजिट है 132,
तो आपको सिंपली 132 को जो है डिवाइड करना है 16 से। तो जब हम 132 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो इसमें हमें देखना है कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है और कितने टाइम इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो 8 टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर जो है हमारे पास वो 4 बच रहा है। तो और अब 8 आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहां से रीड करेंगे 8 से 4। ये बिट आपकी MSB होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका LSB होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपका आंसर होगा 84 और ये आपका नंबर सिस्टम जो कन्वर्ट हुआ है वो 16 में हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कन्वर्जन हम देख रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल में। तो यहाँ पर आपके पास जो डेसिमल नंबर है वो 132 है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इसको जो है वो 8 से डिवाइड करा है। तो 8 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 16 टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर जो है 4 है। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, इस बिट को हम बोलते हैं MSB और ये होता है LSB। तो यहां से हम पढ़ेंगे तो 204, ये आपका आंसर है ऑक्टल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है हमारा जो है वो ऑक्टल टू डेसिमल है। तो ऑक्टल टू डेसिमल में हमें इस टाइप से, जैसे यहाँ पे 1 बिट दिए तो 1 into 8, यहाँ 2 दिया है तो 2 into 8, या 1 दिया है तो 1 into 8, और यहां से 0, 1 and 2, 8 into 2 64, 8 into 2 16, 8 to the power 0 1, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 81, और ये 81 जो है वो डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो हमने इसको कन्वर्ट करा है ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में इसमें जो नंबर सिस्टम है फ्रैक्शन पार्ट मैं आपको बताऊंगा, और आपको इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। थैंक यू।